नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम करेंगे क्लास सिक्स का प्रैक्टिस है 28। यहाँ में देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या है, इन इच एग्जांपल बिलो फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड। इट मीन्स ये जो फर्स्ट नंबर है वो ऊपर रहेगा और सेकेंड नंबर नीचे रहेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है 24, इट मीन्स 24 अपॉन में क्या आ जाएगा 56। ठीक है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे फाइंड करेंगे 56। देखिए यहाँ पे हम वो नंबर लेंगे जिस नंबर से ये 24 और 56 दोनों डिवाइड हो। तो किस नंबर से ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, 8 से। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। देखिए 8 थ्री सा क्या होता है 24 और 8 सेवन सा क्या होता है 56। इट मीन्स इसका आंसर क्या आया 3:7। देखिए इसे पढ़ना कैसे है 3:7। ठीक है, अब आपको एक डाउट आता होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों नंबर्स को हमें किस नंबर से डिवाइड करना है। तो देखिए उसके लिए हमारे पास एक मेथड है। जैसे यहाँ पे 24 है ना, तो हम क्या करेंगे 24 का फैक्टर फाइंड करेंगे। देखिए इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ना छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है 1 को छोड़ के। तो यहाँ पे देखिए 2 1 सा क्या होता है 2, फिर 2 2 सा 4, फिर यहाँ पे 2 6 सा 12, उसके बाद फिर ये 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 3 सा 6, और फिर यहाँ पे 3 1 सा 3, और फिर यहाँ पे क्या है 56। देखिए 56 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 2 सा 4, 2 8 सा 16, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, फिर यहाँ पे 2 7 सा 14, और फिर यहाँ पे 7 1 सा 7। अब देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। इट मीन्स हम 2 को यहाँ पे 1 टाइम लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो यहाँ पे हम इसको 1 टाइम लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर देखिए इसमें 3 है पर इसमें 3 नहीं है, इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, मतलब 3 और 7 को हम नहीं लिखेंगे। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, कितना आया 8। इसलिए हमने इन दोनों नंबर्स को किससे डिवाइड किया, 8 से। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि किस नंबर से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब चलिए हम सेकेंड वन देखते हैं। देखिए यहाँ पे सेकेंड वन है 63 and 49, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 63/49। 63/ में क्या है 49 डिवाइडेड बाय। अब देखिए 63 और 49 ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, तो कौन सा ऐसा नंबर है 7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7, फिर 7। अब 7 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे तो 63 आएगा, 9 बार, क्योंकि 7 9 से क्या होता है 63, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9, और 7 7 से क्या होता है 49, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 9:7। फिर देखिए थर्ड वन क्या है 52 and 65, तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 52/ में क्या आ जाएगा 65, और यहाँ पे 52 65। अब देखिए इन दोनों नंबर्स को हमें किस नंबर से डिवाइड करना होगा, 13 से, क्योंकि 13 के टेबल में 52 भी आता है और 65 भी आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13, यहाँ पे भी 13। 13 4 क्या होता है 52, और 13 5 क्या होता है 65, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और फिर इसका आंसर हो जाएगा 4:5। ये देखिए यहाँ पे फोर्थ वन क्या है 84 and 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 84/60, फिर यहाँ पे 84/60। अब हमें इन दोनों को किस नंबर से डिवाइड करना होगा, 12 से। तो यहाँ पे आप इजीली नहीं समझ पा रहे होंगे कि किस नंबर से हमें इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा 84 और 60 का फैक्टर निकालना है, और फिर उसके बाद जो उनके कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए कैसे, यहाँ पे 84, अब इसका आपको फैक्टर निकालना है,
टू फोर ज़ा एट होता है, फिर टू टू ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, फिर ये थ्री से डिवाइड होगा तो थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन, सेवन वन ज़ा सेवन, फिर यहाँ पे सिक्सटी। अब इसका फैक्टर निकालना है हमें, तो टू थ्री ज़ा सिक्स, फिर यहाँ पे ज़ीरो, टू वन ज़ा टू, टू फाइव ज़ा टेन, फिर यहाँ पे थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, फाइव वन ज़ा फाइव। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, देखिए टू यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसको हम यहाँ पे वन टाइम लिख देंगे, फिर टू इसमें भी और इसमें भी, तो इसको हम लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए थ्री यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम थ्री को भी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सेवन इसमें है पर इसमें नहीं, और फाइव इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब हम सेवन और फाइव को नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व। इट मीन्स हमें 84 और 60 को किस नंबर से डिवाइड करना होगा, 12 से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 और यहाँ पे भी 12। आप देखिए यहाँ पे 12 सेवन ज़ा क्या होता है, 84, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 12 फाइव ज़ा 60। इट मीन्स इसका आंसर क्या आया, 7:5, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिफ्थ वन क्या दिया है, 35 एंड 65, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 35/65 इज इक्वल टू 35/65 डिवाइडेड बाई। अब देखिए यहाँ पे 35 और 65 किस नंबर से काटे जा सकते हैं, 5 से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, यहाँ पे भी 5। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है कि किस नंबर से हमें डिवाइड करना है, तो फिर आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 सेवन से क्या होता है, 35, और यहाँ पे देखिए 5 वन से 5, फिर इसमें से 1 बचेगा तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15। इट मीन्स इसका आंसर क्या आया, 7:13। ये देखिए यहाँ पे सिक्स वन क्या है, 121 एंड 99, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 121/99। तो यहाँ पे 121/99 डिवाइडेड बाय। देखिए इन दोनों नंबर्स को हमें किस नंबर से डिवाइड करना है, 11 से, क्योंकि 11 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे 11 वन ज़ा 11, फिर इसमें से यहाँ पे 11 बचेगा तो 11 वन ज़ा 11, यहाँ पे क्या आ गया 11, और 11 नाइन ज़ा 99, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11:9। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड। यहाँ पे भी हमें सेम वही करना है। देखिए क्या बोला है, फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड, मतलब ये जो फर्स्ट वाला है उसको हमें ऊपर मतलब न्यूमरेटर में लिखना होगा, और सेकेंड वाले को नीचे मतलब डेनोमिनेटर में लिखना होगा, और फिर उसका रेशियो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम करना स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे सेकेंड का फर्स्ट क्या दिया है, 25 बिट्स एंड 40 बिट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 25/40, और फिर यहाँ पे 25/40। देखिए ये दोनों नंबर्स किस नंबर से डिवाइड होंगे, 5 से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 और यहाँ पे भी 5। फिर 5 5 का क्या होता है, 25, एंड 5 8 का क्या होता है, 40। इट मीन्स इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 5:8। देखिए यहाँ पे सेकेंड वन क्या है, 40 रुपीज़ एंड 120 रुपीज़, तो यहाँ पे हो जाएगा 40/120, फिर यहाँ पे 40/120। देखिए ये दोनों नंबर किस नंबर से डिवाइड होंगे, 40 से, यहाँ पे 40 और यहाँ पे भी 40। अब देखिए 41 ज़ा 40 और 43 ज़ा क्या हो जाएगा, 120, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। इट मीन्स इसका आंसर क्या आया, 1:3। ये देखिए यहाँ पे थर्ड वन क्या है, 15 मिनट्स एंड 1 आवर। देखिए यहाँ पे क्या है, मिनट है और यहाँ पे आवर है, मतलब हमें इसको भी मिनट में चेंज करना होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 मिनट्स इज़ टू, देखिए एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60 मिनट।
ठीक है, अब हम इसका रेशियो फाइंड कर लेते हैं, 15/60, फिर यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पे हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे, 15 से, तो 15 × 15 और 15 × 4 = 60, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1:4। फिर देखिए यहाँ पे फोर्थ वन क्या है, 30 liters and 24 liters, तो यहाँ पे हो जाएगा 30/24, इट मीन्स 30 / एंड फिर यहाँ पे 24/, देखिए यहाँ पे हम 30 और 24 इन दोनों नंबर्स को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से, 6 × 5 का क्या होता है 30 एंड 6×4 का क्या होता है 24, इट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5:4, तो ये हो गया 30 liters और 24 liters का रेशियो। ये देखिए यहाँ पे फिफ्थ वन क्या है, 99 kg and 44,000 grams, तो यहाँ पे देखिए ये है केजी में और ये है ग्राम में, तो हम इसको भी केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे है 99 kg = यहाँ पे 44/ में क्या आ जाएगा, 1000, क्यों, क्योंकि 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या 44 kg, तो देखिए ये भी kg और ये भी kg, तो अब हम यहाँ पे इनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 99/44, तो यहाँ पे 99/44 / देखिए ये दोनों नंबर किस नंबर से डिवाइड होंगे, 11 से, 11 × 9 = 99, 11 × 4 = 44, इट मीन्स 9:4, ये हो जाएगा इसका रेशियो। ये देखिए यहाँ पे सिक्स वन क्या है, 1 liter and 250 ml मीन्स milliliter, तो यहाँ पे देखिए लीटर है, यहाँ पे क्या है ml मीन्स milliliter, तो हमें क्या करना होगा, इस लीटर को भी milliliter में कन्वर्ट करना होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 liter में कितने milliliter होते हैं, 1000 milliliter होते हैं, इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 1000 ml = 250 ml, तो यहाँ पे देखिए ये भी ml, ये भी ml, तो अब हम इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। देखिए रेशियो फाइंड आउट करने के लिए ना जो इसका यूनिट है ना वो सेम रहना चाहिए, तभी आप उसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लीटर और यहाँ पे ml, तो हम इसमें इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने क्या किया, इसको भी ml में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1000/250 = 1000/250, देखिए यहाँ पे हम किस नंबर से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 250 से, तो देखिए ये कितने टाइम में जाएगा, 4 times में और ये 1 time में, इट मीन्स इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1, ठीक है। अगर देखिए आपको ये सॉल्व नहीं करने आता तो आप इसको डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, देखिए आप अपने समझने के लिए इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है 1000 ना, देखिए तो यहाँ पे 1000 लिख दीजिए, फिर क्या है 250, तो यहाँ पे 250 लिख दीजिए और फिर आप इसको डिवाइड कीजिए, तो 250 × 4 क्या होता है 1000, इट मीन्स 1000 कितने टाइम में कटा, 4 times में ना, तो यहाँ पे हमने लिखा 4, वैसे ही यहाँ पे 250 को अगर आप 250 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, मतलब अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे डिवाइड करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6th भी कंप्लीट हुआ, अब चलिए हम 7th देखते हैं, यहाँ पे 7th क्या है, 60 paise and 1 rupee, तो यहाँ पे देखिए क्या है, पैसे है और यहाँ पे है रुपी, मतलब इन दोनों का हम रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस 1 rupee को भी पैसे में कन्वर्ट करना होगा,
तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 60 पैसे इज टू, देखिए 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, मतलब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 100 पैसे। अब 60/100 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 60/ एंड 100/, देखिए ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं, 20 से। तो यहाँ पे 23 क्या होता है 60 एंड 25 100, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3:5, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका रेशियो। ये देखिए यहाँ पे 8th क्या है, 750 grams एंड 1/2 मीन्स 1/2 kg। तो यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे केजी है, तो अभी हम इसका रेशियो नहीं फाइंड कर सकते, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 750 grams इज टू, देखिए 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, तो 1/2 kg में कितना होगा, 500 ग्राम होगा, है ना। देखिए यहाँ पे अगर 1 kg में 1000 ग्राम होता है तो 1/2 kg में कितना ग्राम होगा, देखिए 2 5s are 10, ये 0 तो कितना आया 500 ग्राम। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 500 ग्राम। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 750/500 इज इक्वल टू 750/500/। अब देखिए यहाँ पे 750 और 500 ये दोनों नंबर्स किससे डिवाइड होंगे, 250 से। तो यहाँ पे देखिए 250 3s क्या हो जाएगा 750 और 250 2s क्या हो जाएगा 500। इट मीन्स इसका रेशियो क्या आ जाएगा 3:2। ये देखिए यहाँ पे 9th क्या दिया है, 125 cm एंड 1 meter। तो यहाँ पे देखिए क्या है सेंटीमीटर और यहाँ पे मीटर, इट मीन्स हमें इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 1 meter में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 cm, मतलब 100 cm। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100 cm। देखिए ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, इट मीन्स अब हम इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 125/100 इज इक्वल टू 125/100/। देखिए यहाँ पे 125 और 100 किस नंबर से डिवाइड होंगे, 25 से। 25 5s 125 और 25 4s 100, इट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा 5:4। तो ये हो गया इसका रेशियो। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, रीमा हैज 24 notebooks एंड 18 books, फाइंड द रेशियो ऑफ notebooks टू बुक्स। तो यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं पहले नंबर ऑफ notebooks, कितना है देखिए यहाँ पे 24, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 24, फिर नंबर ऑफ बुक्स, कितना है 18, और फिर देखिए यहाँ पे हमें रेशियो क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ नोटबुक्स टू बुक्स, इट मीन्स नोटबुक्स ऊपर आएगा और बुक्स नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देखिए देयर फॉर द रेशियो ऑफ नोटबुक्स टू बुक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ नोटबुक्स अपॉन नंबर ऑफ बुक्स।
अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ नोटबुक्स कितने हैं, 24, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24 अपॉन नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं, 18, यहाँ पे हो जाएगा 18। अब हम इसका रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय अपॉन में 18 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे 24 और 18 किस नंबर से डिवाइड होंगे, 6 से, तो यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं, फिर 6 4 = 24, 6 3 = 18, इट मीन्स इसका रेशियो क्या आया, 4:3, तो हम यहाँ पे लास्ट में इसका आंसर लिख देंगे 10, द रेशियो ऑफ नोटबुक्स टू बुक्स इज इक्वल टू 4:3, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 30 क्रिकेट प्लेयर्स एंड 20 खो खो प्लेयर्स आर ट्रेनिंग ऑन अ फील्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो चलिए हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, इज इक्वल टू कितने क्रिकेट प्लेयर्स हैं, 30, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ खो खो प्लेयर्स, कितने हैं, 20, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स प्लस नंबर ऑफ खो खो प्लेयर्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स प्लस नंबर ऑफ खो खो प्लेयर्स, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं, 30 प्लस नंबर ऑफ खो खो प्लेयर्स कितने हैं, 20, इट मीन्स इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, 50, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं द रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, क्रिकेट प्लेयर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, इट मीन्स देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स कितना है, 30 और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितना, 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 30/50, तो यहाँ पे 30/50/, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों नंबर्स किस नंबर से डिवाइड होंगे, 10 से, 10 3 = 30 एंड 10 5 = 50, इट मीन्स रेशियो क्या आया, 3:5, तो यहाँ पे हम लास्ट में इसका आंसर लिख देंगे 10, द रेशियो ऑफ
क्रिकेट प्लेयर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इज 3/5 और 3:5। देखिए यहाँ पे 3/5 या फिर 3:5 दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो आप 3/5 भी लिख सकते हैं या फिर आप 3:5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, स्नेहल हैज रेड रिबन दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अ ब्लू रिबन 2.20 मीटर लॉन्ग, वॉट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेड रिबन टू दैट ऑफ द ब्लू रिबन। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ रेड रिबन, देखिए रेड रिबन का लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 80 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, देखिए कितना है 2.20 मीटर लॉन्ग, क्या है 2.20 मीटर। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ पे मीटर, इट मीन्स हम ऐसे इसका रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो मीटर है इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है 2.20 × 100। देखिए हम 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 220 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर फॉर द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेड रिबन टू दैट ऑफ द ब्लू रिबन इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ रेड रिबन अपॉन, देखिए यहाँ पे लेंथ है, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, देखिए रेड रिबन का लेंथ कितना है 80 और ब्लू रिबन का 220, फिर यहाँ पे हो जाएगा देखिए 80 / 220/। अब देखिए यहाँ पे 80 और 220 किस नंबर से डिवाइड होंगे, 20 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 24 क्या होता है 80 और यहाँ पे 21 20 और फिर 21 20, तो इसका रेशियो क्या आ गया 4:11। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको ये डिवाइड करने नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं ना वैसे। देखिए 220 / 20, तो देखिए क्या हो जाएगा 21 20, फिर माइनस करने पे यहाँ पे 2 यहाँ पे 0 यहाँ पे 20, फिर 21 20, ठीक है, तो कितना है 11, तो इसलिए हमने यहाँ पे 11 लिखा। अगर आपको ऐसे डिवाइड करने नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे करके भी कर सकते हैं। अब चलिए हम लास्ट में यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, दस द रेशियो ऑफ ऑफ द लेंथ ऑफ
द रेड रिबन टू दैट ऑफ द ब्लू रिबन इज 4/11 और 4:11। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, शुभम्स एज टुडे इज 12 इयर्स, मतलब शुभम का प्रेजेंट एज कितना है 12 इयर्स, एंड हिज फादर इज 42 इयर्स, और उसके फादर का एज कितना है 42 इयर्स। फिर शुभम्स मदर इज यंगर देन हिज फादर बाय 6 इयर्स, मतलब शुभम की मदर उसके फादर से 6 साल छोटी हैं। फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, तो हमें ये जो रेशियो दिए हैं इनको फाइंड आउट करना है। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे शुभम्स एज टुडे कितना है 12 इयर्स। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे उसके फादर का एज, तो शुभम्स फादर्स एज टुडे कितना है 42 इयर्स। ठीक है, अब हम उसके मदर का एज लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शुभम्स मदर्स एज टुडे इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि शुभम की मदर उसके फादर से 6 साल छोटी है। इट मीन्स शुभम के फादर का एज कितना है 42 माइनस क्या करेंगे हम 6, क्योंकि उसकी मदर उसके फादर से 6 साल छोटी है, तो कितना हो जाएगा 42 माइनस 6 इज इक्वल टू 36 इयर्स। तो यहाँ पे देखिए शुभम का एज हो गया शुभम के फादर का और शुभम के मदर का। अब यहाँ पे देखिए रेशियो क्या क्या बोला है हमसे निकालने के लिए। देखिए फर्स्ट वन क्या है, रेशियो ऑफ शुभम्स एज टुडे टू हिज मदर्स एज टुडे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट वन रेशियो ऑफ शुभम्स एज टुडे टू हिज मदर्स एज टुडे इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, क्या दिया है यहाँ पे शुभम्स एज टुडे टू हिज मदर्स एज टुडे, मतलब यहाँ पे क्या आएगा शुभम्स एज टुडे अपॉन शुभम्स मदर्स एज टुडे। ठीक है, अब शुभम का प्रेजेंट एज कितना है 12 इयर्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 अपॉन, शुभम के मदर का एज कितना है 36, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपॉन में 36, इट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाय। अब ये दोनों जो नंबर्स है ये किससे डिवाइड होंगे 12 से, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 12 1 12 12 3 36, इट मीन्स रेशियो क्या हो जाएगा 1:3, तो यहाँ पे हम लास्ट में इसका आंसर लिख देते हैं 10 रेशियो ऑफ शुभम्स एज टुडे टू हिज मदर्स एज टुडे इज 1/3 और 1:3। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वन कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड वन क्या दिया है,
रेशियो ऑफ शुभम्स मदर्स एज टूडे टू हिज फादर्स एज टूडे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पे सेकंड डाल के लिखते हैं, रेशियो ऑफ शुभम्स मदर्स एज टूडे टू हिज फादर्स एज टूडे इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या है, शुभम्स मदर्स एज टूडे टू हिज फादर्स एज टूडे, मतलब क्या होगा यहाँ पे, शुभम्स मदर्स एज टूडे अपॉन में क्या आ जाएगा, शुभम्स फादर्स एज टूडे। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुभम के मदर का एज कितना है 36 और उसके फादर का 42, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 36 डिवाइडेड बाय एंड यहाँ पे 42 डिवाइडेड बाय। अब देखिए यहाँ पे 36 और 42 ये किस नंबर से डिवाइड होंगे, 6 से, तो यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं, फिर 6 ज़ा 36 एंड 6 ज़ा 42, इट मीन्स क्या आया 6:7, तो हम यहाँ पे आंसर में लिख देते हैं 10 रेशियो ऑफ शुभम्स मदर्स एज टुडे टू हिज फादर्स एज टुडे इज 6/7 और 6:7। ये देखिए यहाँ पे थर्ड वन क्या दिया है, द रेशियो ऑफ शुभम्स एज टू हिज मदर्स एज व्हेन शुभम वाज 10 ईयर्स ओल्ड। देखिए हमें रेशियो तो फाइंड आउट करना है, लेकिन कब का फाइंड आउट करना है, जब शुभम 10 साल का था तब का, ठीक है, जब शुभम 10 साल का था तब उसकी मदर कितने साल की रही होंगी, 34 ईयर्स, क्योंकि 36 में से अगर आप 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 34 आएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं थर्ड वन, देखिए सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ शुभम एंड व्हेन ही वाज 10 ईयर्स ओल्ड। देखिए यहाँ पे हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, किसका डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, शुभम का प्रेजेंट एज और जब वह 10 साल का था तब का। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी शुभम कितने साल का है, 12 साल का है, और फिर इसमें से हम 10 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 ईयर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे उसके मदर का एज लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर शुभम्स मदर्स एज when शुभम was 10 ईयर्स ओल्ड। देखिए अभी शुभम के मदर का एज कितना है, 36 है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि
शुभम के प्रेजेंट एज और जब वो 10 ईयर्स का था तब के एज में कितने का डिफरेंस है? 2 साल का डिफरेंस है ना, इसलिए हम यहाँ पे 2 को माइनस कर देंगे। तो 36 - 2 इज इक्वल टू 34 ईयर्स यहाँ पे हो जाएगा। अब हम यहाँ पे रेशियो लिख देंगे। देखिए यहाँ पे द रेशियो ऑफ शुभम्स एज टू हिज मदर्स एज व्हेन शुभम वाज 10 ईयर्स ओल्ड इज इक्वल टू, फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10/34 क्योंकि शुभम का एज कितना है 10 और उसकी मदर का 34। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे 10/34/ देखिए यहाँ पे 10 और 34 किस नंबर से डिवाइड होंगे, 2 से, 2 5 10 और 2 1 2 2 7 14 इट मीन्स क्या हो जाएगा 5:17। ठीक है, तो हम इसका लास्ट में आंसर लिख देंगे। Thus, the ratio of Shubham's age to his mother's age when Shubham was 10 years old is 5/17 or 5:17। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा सॉल्यूशन। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से प्रैक्टिस है 28 कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।